भाजपा की सरकार गाय के लिए फंडिंग देती है, अच्छा खासा फंड आता है, लेकिन क्या वो फंड वहां तक पहुंच रहा है पूर्णतया? लोगों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड है, ये नगर निगम के कैसे काम है जो पूर्णतया नगर निगम को करने ही करने हैं? मेयर बनेंगे क्या आप अतिक्रमण हटाएंगे? जहां पे लगता है कि अतिक्रमण हटाना चाहिए वहां हटाया जाएगा, वन विंडो सिस्टम रहेगा नगर पालिका नगर निगम में, और जन सुनवाई होगी बाकायदा। अपनी बात तो कहेंगे ना कि हमें इस वजह से आप चुनिए? जो बात कही जाती है वो प्रत्याशी बनने के बाद कही जाती है। जब प्रत्याशी ही नहीं है तो अभी हम किसकी हवा में किसको किसके ऊपर तीर उखाड़ा जाए? तो और मेयर बनने के बाद अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो ये इससे ज्यादा मैं बेवकूफी का काम नहीं समझती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। दोस्तों, किया इंटरव्यू में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उज्जवल गुप्ता जी से। उज्जवल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उज्जवल जी, फिरोजाबाद नगर निगम से महापौर पद के लिए आवेदन कर रही हैं। हम आज जानेंगे कि उज्ज्वला जी कितने पानी में हैं और क्या वो नगर निगम में महापौर पद के लिए उचित विकल्प हो सकती हैं। उज्ज्वल जी, पहले तो आप, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन्हें अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल गुप्ता है और मैं यहाँ पे फिरोजाबाद की मूल निवासी हूँ। यहाँ पे जो हमारे पिताजी का व्यावसायिक पता है वो व्यावसायिक फॉर्म का नाम है शिवरे गारमेंट्स, और जिसके कई स्टोर्स हैं यहाँ पे फिरोजाबाद में, और वहीं से मेरी एक स्टार्टिंग हुई है कि जो पृष्ठभूमि मुझे जिस तरीके से पारिवारिक मिली हुई है और पारिवारिक संस्कार मिले हुए हैं कि जनता के लिए सेवा का भाव, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पर्सनली किस तरीके से लोग जानते हैं क्योंकि मैं अभी इस समय भाजपा में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ लगभग 1.5 साल से। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यों से भी लोगों के अंतर्गत मेरी पहचान बनी हुई है। बाय क्वालिफिकेशन मैं LLB LLM हूँ बैंगलोर से, और फिलहाल मैं सामाजिक सेवा में सक्रिय हूँ। पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ भी रह चुकी हूँ। अब बात आती है सामाजिक पृष्ठभूमि की कि लोग किस तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दायित्व पे बैठी हुई हूँ, और राजनीतिक दायित्व पे कोई व्यक्ति बैठा होता है, कोई व्यक्ति नेता होता है, तो नेता में लोग अक्सर, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि तो है नहीं, हमारा कोई भी लाभांवित पद नहीं आता है, और क्योंकि पद भी जो है वो उस तरीके का है कि लोग कई बार उसको दलाली के तौर पे देखते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई नेता है तो वो दलाली वाले कार्य करेगा, या पुलिस में जाके मान लीजिए कोई भी मुश्किलें आए लोगों को, उन्होंने सोचा कि गाड़ी छुड़वा दें या इस तरीके के कार्य कर दें तो ही वो नेता को फोन करते हैं। मैं इससे अलग हूँ, मैं इन सब कार्यों में मेरा कोई भी रोल नहीं होता है। अक्सर मेरा जो रोल होता है वह वंचित या शोषित के लिए आवाज उठाने का रोल रहता है। अगर मुझे लगता है कि कोई भी सरकारी योजना, जैसे कि हमारी सरकार एकात्म मानववाद के दर्शन शास्त्र पे आधारित है, जो भी दार्शनिक उसके मूल सिद्धांत है वो एकात्म मानववाद का है, जैसे कि हमारा जो भाजपा का भी संविधान है, कई लोगों को पता ही नहीं कि भाजपा का भी संविधान है, और उसका अनुच्छेद 3 एकात्म मानववाद की बात करता है। एकात्म मानववाद का मतलब ही यही होता है कि आप सिर्फ स्वयं के लिए कार्य नहीं करते हो, आप जो स्वयं है आपका वो आप सृष्टि की तरीके से जोड़ते हैं, और जब आप ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं तो यानी कि जो वंचित और शोषित व्यक्ति का जो दुख दर्द है उसको भी आप पूर्णतया अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्योंकि मैं भाजपा के पद पर हूं और मैं भाजपा के पद पर रहते हुए भी मुझे यही फील होता है कि कोई भी वंचित शोषित को, अगर कोई अधिकारी भी अगर शोषित कर रहा है तो मेरा अधिकार है उसके लिए आवाज उठाना, क्योंकि हमारी पार्टी इसी विषय पे चलती है। तो मैंने कई बार आवाज उठाई है, कुछ ऐसे मुद्दे हुए हैं, लोगों ने पहचाना है मुझे, फिरोजाबाद की जनता ने इसको सराहनीय तौर पे स्वीकार भी किया है, और उन्होंने इसीलिए काफी बार मुझे उत्साहित भी किया है। जी, संविधान की आपने बात की कि, तो मैं बता दूं आप लोगों को जो लोग नहीं जानते हैं, हर संस्था का एक संविधान होता है। जितनी भी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं या किसी भी तरह की अगर वो संस्था है, तो हर एक संस्था का अपना अपना एक अलग संविधान होता है और उसके अलग अलग अनुच्छेद होते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अनुच्छेद 3 की बात की आपने भाजपा के संविधान की, तो उज्जवल जी आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में रहकर आपने कितना वर्ष आपने फिरोजाबाद में बिताए हैं? फिरोजाबाद में मेरी बस एक 12वीं कक्षा के बाद की जो एजुकेशन है वो मेरी बैंगलोर में हुई है जी। और उसके बाद जो UPSC की तैयारी भी मैंने दिल्ली में रहकर की है, और बाकी का पूरा समय मेरा ऑलमोस्ट यहीं पे फिरोजाबाद जी। 12वीं कहाँ से किया? 12वीं मेरा फिरोजाबाद से ही हुआ है। फिरोजाबाद में कहाँ? हाँ। किस कॉलेज से?
फिरोजाबाद में मैं दाऊदयाल डिग्री कॉलेज से मेरी 12वीं हुई थी और 10वीं भी मेरी फिरोजाबाद डिग्री कॉलेज दाऊदयाल डिग्री कॉलेज से हुई थी। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी सोशल एक्टिविटीज, जैसे आपने बताया कि अभी थोड़े दिनों पहले आपने कोविड के टाइम से शुरू किया, अपने समाज में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और उसके बाद से एकदम से आप राजनीति में आ गए जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या आप उसके लिए परिपक्व हैं, आपको उतना एक्सपीरियंस है जितना होना चाहिए एक राजनेता को, क्योंकि आप फिरोजाबाद के सबसे बड़े पद पर जाने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि राजनीतिक, देखिए क्योंकि क्या होता है कि MLA है, MP की पोस्ट है, क्योंकि ये पूर्णतया राजनीतिक पोस्ट होती है। जो मेयर होता है वो शहर का प्रथम नागरिक है और प्रथम नागरिक होने के नाते उसका जो दायित्व होता है कि अपने नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को समझना। अब क्योंकि ये सिर्फ कोविड से पहले की बात नहीं है, इससे पहले भी कई जगह पे कई चीजें हुई हैं जो जहाँ पे मेरी आवाज उठाने का मन किया है मैंने उठाई भी है। जैसे कि मान लीजिए गाय से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी भाजपा की सरकार गौ रक्षा को लेके पूरी तरीके से आगे बढ़ती है और बहुत सराहनीय है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप नीचे लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहीं पे आती है। अब जैसे गौशाला है, ठीक है, गौशाला में लोग सोचते हैं कि हाँ गौशाला बन गई है। अब गौशाला में आप जाएंगे तब उनकी परेशानियों को गांव की समझेंगे कि गाय क्या ऐसी जगह पे रह रही है कि वहां पे ही उनका मल मूत्र विसर्जन हो रहा है, उसी जगह पे वो बैठ रही है, उनकी स्किन की कंडीशन क्या हो रही है। लंपी वायरस तो अभी आया है, लेकिन पहले से आपको चीजों को देखना पड़ता है। ये कार्य किसके होते हैं? ये कार्य आपके सामाजिक लोगों के होते हैं और मेयर भी एक तरीके से सामाजिक पद है ना, समाज सेवा का पद है। तो जो सामाजिक लोग होते हैं उन्हीं का ये कार्य होता है कि पूर्णतया चीजों को देखना कि क्या वो उस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार गाय के लिए फंडिंग देती है, अच्छा खासा फंड आता है, लेकिन क्या वो फंड वहां तक पहुंच रहा है पूर्णतया? क्यों गाय बाहर डोल रही हैं, पैर उनके अगर टूटे हैं तो क्या म्युनिसिपैलिटी का क्या क्या रोल्स हैं उनको गाय को प्रॉपर पशु चिकित्सालय में लेकर आना, पशु चिकित्सालय में क्या उनके लिए भोजन की समुचित व्यवस्था है या नहीं है? ये सब दायित्व तो एक समाज सेवक के होते हैं, ये कोई अच्छा, राजनीतिक मेयर के क्या दायित्व है? मेयर का जो प्राथमिकता होती है वो होती है रोड को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके, अपने जो भी एनवायरनमेंट को लेके और सैनिटाइजेशन को लेके, साथ में शिक्षा को लेके, अपने नगर निगम के अंतर्गत आपके मतलब बेसिकली मूलभूत समस्याएं जो भी हैं वो सारी मेयर के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा वैकल्पिक चीजें भी आती हैं। वैकल्पिक चीजों में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे करौली देवी मंदिर है, इसके बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पे गरीब हैं, डोलते रहते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बाहर घर वालों को छोड़ के डोलते रहते हैं, उनके मतलब भी नहीं होता उनके घर वालों को ज्यादा। अब वो ड्रग्स के चक्कर में आ जाते हैं, अब वहां बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, वहीं पे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका काम है? एक समाज सेवा, देखिए कई NGO सेटअप हो जाते हैं लेकिन क्यों NGO एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते? क्योंकि NGO में कई तरीके के लोग होते हैं। अब यही काम अगर नगर निगम अपने अंतर्गत ले और ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले, और ये भी एक नगर निगम का काम है बेसिकली, अगर खोलना चाहे तो फिरोजाबाद में भी हैं और भी जगह पर हैं वो, लेकिन वो संस्थाएं चला रही हैं। हाँ नहीं, संस्थाएं चला रही है वो एक अलग चीज है कि संस्था कितनी संस्थाएं चला रही है और किस तरीके से चला रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब मुझे, मैं चार साल पहले भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ड्रग्स के, उनके माँ बाप को छोड़ के चले जाते थे, जहां पे भी उन्हें छोटा छोटा ड्रग्स मिला, वो जो होता है ना वाइटनर वाला इस तरीके का, या अल्कोहल किसी ने फ्री में पिला ली, तो उसके लिए मैंने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोजने की कोशिश की थी फिरोजाबाद में, मुझे नहीं मिला सही तरीका, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मेरी जो प्रायोरिटी है वंचित शोषित में, तो ये सारी चीजें मेरे प्रायोरिटीज में कवर होती है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर वो इस तरीके के सेटअप करती है तो उसको फंडिंग भी मिलती है। एक्चुअली ये सारे काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। अब वायु प्रदूषण है, मान लीजिए फिरोजाबाद का क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, नॉर्मल सी बात है कि वहां पे प्रदूषण की संभावना ज्यादा है और है भी, लेकिन उसको रोकने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक किस तरीके से हेल्प कर सकता है? क्या वो इस तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट बना सकता है कि जो भी केमिकल्स आ रहे हैं किस तरीके से वो हवा में ना जाए, किस तरीके से उसको एक टेक्निक्स इवॉल्व की जाए, क्या एक इस तरीके की मीटिंग्स करके इंजीनियर्स के साथ या अलग अलग तरीके के साथ किस तरीके का इनोवेशन किया जाए कि प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए? क्योंकि ये श्रमिक औद्योगिक नगरी है, श्रमिक हैं, श्रमिकों की जो मूलभूत समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैक्सिमम उनकी एज होती है 60 इयर्स मैक्सिमम। क्यों होती है? क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र में काम ही इस तरीके के होते हैं कि उनकी हैजर्डस होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे केमिकल्स को
वो लेते हैं, इनहेल करते हैं, फिर वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे भी मान लीजिए सैनिटाइजेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वहां पे भी इस तरीके का देखिए कई बार हम जो स्वीपर हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि वो जो डस्ट है वो हवा में ना उड़े, इस तरीके की चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, पोल्यूशन के लेवल को कम करने की कोशिश की जाएगी, उसको देखा जाएगा कि जो भी लोगों की हेल्थ है वो किस तरीके से हेल्थ को बढ़ाया जाए, और साथ में देखिए जो मैं तो मानती हूं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काम है जो आम जनता को पता है, जैसे कि रोड बनना, नाले बनना, ठीक है, इसमें भी अगर ईमानदारी के साथ कार्य किया जाए तो भी बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। अब नाले हैं कई जगह पे, जैसे मान लीजिए नाले खुले होते हैं, आए दिन बच्चे गिरने के चांसेस होते हैं, मरने के चांसेस होते हैं, गाय भैंस गिरने के चांसेस होते हैं वहां पे, जितने खुले नाले हैं बड़े बड़े जो नाले, नालियों की मैं जिम्मेदारी नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन नाले जितने खुले हैं उनको बंद कराने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा या फिर जानवर वहां पे ना गिरे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर और भी काम आते हैं जैसे कि डॉग स्टरलाइजेशन के, ठीक है, क्योंकि आए दिन कुछ लोग सुनते हैं कि हाँ किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं है हालांकि फिरोजाबाद में, लेकिन कभी कुत्ते के काटने की संभावना भी हो सकती है तो उसको देखा जाएगा। गाय भैंसे जो देखिए कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं गाय भैंसों के लिए हम रोड पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि हम उनके जंगल अगर काटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी एक समुचित व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि ऐसी जगह पे वो रहे कि जहाँ पे आपको अगर एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया जाए 100 लोगों को, क्या आप वेंटिलेशन होगा, क्या आप रह पाओगे, बीमारियां पनपेंगी, तो उनको अगर इस तरीके का कोशिश की जाएगी कि गौशाला अगर हो तो बहुत बड़े लेवल पे गौशाला हो, नहीं तो उनका इस तरीके के पार्क की व्यवस्था की जाएगी जहां पर उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी, वो खाए और अच्छे से स्वतंत्र रूप से घूमे। चलिए फिरोजाबाद में आप क्या कमियां देखती हैं जिन्हें महापौर बनने के बाद आप सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए कमियां मेरे हिसाब से क्या होता है कि हर व्यक्ति कोई भी आता है 5 साल के लिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति काम करने की कोशिश करता है ना, एक ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम होता है, एक यूपीएससी से पहले लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, निबंध लिखते हैं और कई बार वही चीजें बदल जाती हैं जब वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है, तो व्यक्तिगत लेवल पे हर व्यक्ति कार्य करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उससे अधूरी रह सकती है या होती है या फिर कई बार वो अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रायोरिटी है वो जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो एनवायरनमेंट को लेके होगी, वो जानवरों को लेके होगी, लोगों की हेल्थ को लेके रहेगी, जमीन पानी और ये जो मूलभूत समस्या है ड्रेनेज की, वो तो मेरा मतलब अगर मैं महापौर बनती हूँ तो वो तो मेरा काम है ही है, उसको तो देखना ही देखना है, जनता की समस्या को तो देखना ही देखना है, उसके अलावा ये सारी प्रायोरिटीज में रहेगा। पेड़ हमारी जो भाजपा है वो पार्टी है वो ग्रीन कवर पे भी बहुत ध्यान दे रही है, काफी प्लांटेशन प्रोजेक्ट होता है, हर साल होता है, अब प्लांटेशन प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी संरक्षण करने की है, किसकी है, वो मेयर की जिम्मेदारी है, तो वो संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी होगी कि अगर प्लांटेशन हो रहा है हर साल की तरह तो उसमें कितने प्लांट को हम जीवित रखने की कोशिश कर पा रहे हैं, कितने प्लांट को रोज पानी जा रहा है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से या कितनों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आपने बताया कि आपको 1.5 साल करीब हुआ है भाजपा में इनरोल करे हुए, नहीं भाजपा के महिला मोर्चा पद पे, इसके अलावा आपने आवेदन किया है, आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी आवेदन किया है जो कि भाजपा में कई कई सालों से काम कर रहे हैं, पूरा पूरा जीवन बीत गया उनका काम करते हुए भाजपा के साथ, आपको लगता है कि भाजपा उनको छोड़कर के आपको टिकट देगी? हर व्यक्ति अपनी जगह डिजर्विंग है, संगठन को जो भी लगता है कि जो व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त है वो उसका चयन करेगी, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी जगह कोई और उपयुक्त है उनका चयन होगा। चलिए अगर आपका सिलेक्शन सपोज हो जाता है और आप इलेक्टेड होती हैं उसके लिए कि आप महापौर पद के लिए भाजपा की तरफ से आप चुनाव लड़ेंगी, आप प्रत्याशी हैं, तो बाकी जो और पार्टियों के या निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उनको उन पब्लिक के सामने आप ये कैसे बताएंगी कि मैं उनसे बेहतर हूं? देखिए अभी मैं आपको बता दूं प्रत्याशी कोई तय हुए नहीं है, ठीक है, होंगे ना जब प्रत्याशी तय होते हैं। देखिए दो तरीके से, आपने एक तो निर्दलीय का भी नाम लिया है, एक तो पार्टी वाइज चीज होती है, जो पार्टी वाइज होती है कि अगर किसी का आप मान लीजिए बताते हैं कि क्या बेटर है तो आप पार्टियों की नीति को लेके बताते हैं कि हमारी पार्टी की नीति ये है, ठीक है, हमारी भाजपा की नीति ये है, हमारे भाजपा ने ये कार्य किए हैं, उस बेसिस पे आप देखिए कि भाजपा की वजह से आप सामने वाली पार्टी पे इसी तरीके से बात रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो रहा है, कौन व्यक्ति उस जगह पे निर्दलीय खड़ा हुआ ये भी अभी आपको नहीं पता है ना, जब आप सामने वाला जो भी व्यक्ति निर्दलीय होगा या जो भी व्यक्ति पार्टी से होगा ये तो प्रत्याशी तय होने की बात है कि जनता को कौन सही लग रहा है अपनी जगह पे और कौन नहीं लग रहा है। बात तो कहेंगे ना कि हमें इस वजह से आप चुनिए,
जो बात कही जाती है वो प्रत्याशी बनने के बाद कही जाती है। जब प्रत्याशी ही नहीं है तो अभी हम किसकी हवा में किसको किसके ऊपर तीर उखाड़ा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद कितनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है आपको पता है? नगर निगम में कितने लोग रहते हैं? बिल्कुल अराउंड 6.5 लाख के लोग, 6 लाख अभी 2017 में 5 लाख के अराउंड थे। ठीक है, जिसमें 7 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास है जी, 6 लाख के आसपास, एक बार आप चेक करके देखिए, 6 लाख के आसपास। अच्छा, कितने कर्मचारी काम करते हैं? कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, देखिए रिकॉर्ड में कुछ चीजें अलग होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें होते हैं कि कर्मचारी की, आपके कर्मचारी कितने आ रहे हैं आपके पास, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, और कितने कर्मचारियों को आप वेतन, देखिए कुछ तो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल होती हैं, ठीक है, नगर निगम में भी कुछ आपके सरकारी होंगे और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, कुछ मान लीजिए अगर आपकी आपदा आ गई तो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे डेंगू के टाइम पे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बढ़ गए थे जब योगी जी आए थे और चीजों को बदलाव किया गया था, है ना, तो ये तो एक बेसिकली ये आपको कैटेगराइजेशन तो आपका अकॉर्डिंगली होगा ना कि आप कितने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को काउंट कर रहे हैं, कितने आप रेगुलर को काउंट कर रहे हैं, ये तो एक अपना अलग उसका रिकॉर्ड हुआ ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिरोजाबाद में जो नगर निगम का क्षेत्र है और नगर निगम को कहा जाता है कि वो फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि फिरोजाबाद वाकई स्मार्ट सिटी है? आप बेंगलोर में आपने पढ़ाई करी जी, आपने वहां से LLB LLM किया, तो आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद वाकई स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी अगर मान लीजिए कुछ साल पहले इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया गया, उसका मतलब ये होता है कि धीरे 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 ये लेवल इसका बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप अगर ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी चीज एक साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि कई लोगों को देखिए, कई लोग क्या होते हैं, मौजूदा लोगों पे क्वेश्चन बहुत जल्दी उठा देते हैं, ठीक है, जमीन की अगर आप बता दूं मैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी जमीन की दिक्कत आती है जब पानी का भराव होता है, जब बारिश का पानी आता है तो जो भराव होता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी उतना ही होता है। दिल्ली में भी आए आए दिन सुनेंगे कि दिल्ली में पानी इतनी भर गई है, गाड़ी तक नहीं निकल पा रही है, ठीक है, अब आप कितनी गवर्नमेंट्स को इसके लिए दोषी मानेंगे? दोषी क्या होता है, ये जो रोड बनती है, जो रोड का स्ट्रक्चर होता है, जो ड्रेनेज होता है, ये काफी साल पहले से बना हुआ, आप ऑलमोस्ट अपने 5 साल के कार्यकाल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे शहर की आपने रोड को बदल दिया और पूरे शहर की नाली को बदल दिया, ये कभी भी एकदम से 5 साल के कार्यकाल में नहीं पॉसिबल हो सकता है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि मूलभूत समस्याओं को आपने समझा कि जहां पे पानी का ज्यादा बहाव हो रहा है आपने निकालने की कोशिश की, वहां की रोड को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश की, उतना आप कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे शहर की जमीन का पूरा एक रेनोवेशन हो जाए या पूरा का पूरा आप दोबारा कंस्ट्रक्ट कराएंगे, वो पॉसिबल किसी भी सिटी के लिए नहीं है। फिरोजाबाद में आप अभी से पहले भी जो वर्तमान में महापौर हैं वो भी आपके भाजपा से ही हैं, उन्होंने भी कुछ काम किया होगा, जो भी आएगा अगला प्रत्याशी अगर भाजपा से आता है तो वो भी काम करेगा, तो आपको लगता है कि तब तक तो 10 साल हो चुके होंगे, तब तक ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा? बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम, देखिए ड्रेनेज शहर की एक बहुत बड़ी समस्या, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगा, गारंटीड सुधरेगा, क्योंकि भाजपा यहाँ पे विरासत से चलती नहीं है, भाजपा की जो नीतियां हैं वो एकात्म मानववाद पे नीतियां हैं, भाजपा कभी भी जो भी ऊपर से जो भी फंडिंग आती है वो अच्छी खासी आती है और अभी भी आई है, अभी भी 5 साल में काफी कुछ किया गया है, काफी कुछ ऊपर से आया है, ठीक है। फिर रही बात, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट, ये देखिए व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो 5 साल किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है, ऊपर से फंडिंग को किस तरीके से लगा रहा है, ठीक है, और कोई चीज अगर 5 साल रह जाती है तो अगले 5 साल में वो पूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल, एक समस्या है जो फिरोजाबाद में जाम की समस्या है जी, ट्रैफिक जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है, कहीं भी आप निकल जाते हैं आपके ऑर्चिड मॉल के बाहर ही आप देखते हैं कि हर समय गाड़ियों की पी पी पाँव पाँव सुनाई देती रहती है। बिल्कुल, तो क्या आप उसको अगर सुधारने का प्रयास करेंगी तो कैसे करेंगी, क्या प्लान आपने किया है? देखिए ये फिरोजाबाद का जो एरिया है, पहली बात तो ये बहुत सिमटा हुआ एरिया है, आप मात्र आधा घंटा दीजिए आप पूरे फिरोजाबाद में विजिट कर सकते हैं, ये एक चीज होती है ना कि पॉपुलेशन आपकी कितनी है और एरिया वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। अब एरिया वाइज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो ट्रैफिक की सिस्टम हर जगह पे आती है, आपको कोई भी सिटी में आप उठा के देख लीजिए, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब मान लीजिए आपने ऑर्चिड मॉल के बाद हमारा ये जो एग्जांपल दिया है, यहां पे इसलिए आती है क्योंकि बाहर जो वैसे तो पार्किंग नीचे बना हुआ है, ठीक है, अब बाहर तब भी कुछ लोग आते हैं और वो वहां पे बाइक खड़ी कर देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि ये चीजें मतलब ज्यादातर जगह पे हो रही है, ठीक है, कि आप बाइक की अगर मान लीजिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और बाइक कहीं पे भी खड़ी कर दी जाती है
उस वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है सिर्फ उसी वजह से खराब होने के चांसेस हाई होते हैं। कई लोग पुलिस पे इसका रोल डाल देते हैं, मैंने सुना है कि कई लोग पुलिस पे भी डाल देते हैं कि पुलिस की गलती है, इसमें पुलिस की क्या गलती है। कोशिश की जाती है अपनी तरफ से। आप सेंट्रल चौराहे से चलना शुरू करेंगे और अगर आपके पास एक टू व्हीलर भी है, मैं फोर व्हीलर की बात ही नहीं कर रहा, अगर आपके पास टू व्हीलर भी है तो भी आपको जलेसर रोड चौराहे तक जाने में, फिरोजाबाद क्लब तक पहुंचने में कम से कम आधे से पौने घंटा लग जाएगा। रोज की बात नहीं है ये, मैं भी टू व्हीलर चलाती हूँ फिरोजाबाद में, ये रोज की बात नहीं है, ये कुछ टाइमिंग्स की बात होती है, जैसे कि स्कूल से बच्चों का छूटने का टाइम है, मान लीजिए, ठीक है, उस समय बच्चों के छूटने की बात करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, स्कूल से छूटने का टाइम है, अब बच्चे हैं, बच्चों की बस भी आती है वहीं से, क्योंकि फिरोजाबाद एक ऐसा एरिया नहीं है कि अंदर बस और ट्रक आएंगी, ये बहुत सिमटा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे यूजली क्या होता है टू व्हीलर्स और गाड़ियां ही चलती हैं। अब वो क्योंकि बच्चों की बस आती है, कुछ बच्चे पैदल चल रहे होते हैं, कुछ बच्चे किसी के साथ टू व्हीलर में होते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक तो वैसे भी गाड़ियों की व्यवस्था है, या मान लीजिए टू व्हीलर भी उधर से जा रहा है, गाड़ियां भी जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये चूड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पे जो चूड़ी की रेडीज जाती हैं, है ना, वो भी उसमें भी योगदान होता है ट्रैफिक का, ये ट्रैफिक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो पाती है, ये सारी चीजों का योगदान होता है और उनको रोका नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, चूड़ी के जो ठेले हैं आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि चूड़ी के ही वजह से यहाँ पे विकास संभव है, ठीक है, आप टू व्हीलर को जाने से रोक नहीं सकते, आप सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकते, आप चौड़ा करेंगे तो दूसरों के घर और दुकानें तो नहीं तोड़वाएंगे, ठीक है, सड़कों को आप चौड़ा नहीं कर सकते, डिवाइडर आप लगा नहीं सकते क्योंकि सड़क उतनी ही है, है ना, सड़क तो चौड़ा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप फिरोजाबाद का पुराना मैप उठा के देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि सड़कें काफी काफी चौड़ी हैं, लेकिन लोगों ने बड़ा बड़ा के अतिक्रमण करके अतिक्रमण, अब आप बताइए कि अगर लोगों ने अतिक्रमण उस टाइम पे कर लिया, ये अतिक्रमण को हटाना ये एक छोटा सा टास्क नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण में देखिए कई तरीके के लोग वहां पे शामिल हैं, हर स्ट्रेटा के लोग शामिल है, गरीब भी व्यक्ति है, मिडिल क्लास भी है, आप सबको तोड़वाने नहीं बैठ जाएंगे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, अगर मुझसे बोला जाएगा कि आप मेयर बनेंगी कि आप अतिक्रमण हटाएंगी, जहां पे लगता है कि अतिक्रमण हटाना चाहिए वहां हटाया जाएगा, सबकी दुकानें तोड़वाना या सबके ठेले हटवाना, सबकी ये करवाना, ये मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं, मेरे अंदर अगर दया भाव है तो मैं वो काम नहीं करूंगी कि जहां पे किसी को भी विधि देखे, मान लीजिए आज से 20 साल पहले किसी ने खरीद लिया, उसकी 20 साल 40 साल से अगर कोई व्यक्ति वहां पे खरीदा हुआ है, आप पूरी रोड में नहीं तोड़वाएंगे, अगर तोड़वाएंगे तो खुद पे देखिए ना कि खुद पे क्या बीतती है, मेरे हिसाब से मैं उस काम को नहीं करूंगी। हाँ, मेरे हाथ में जितना काम होगा कि रोड्स को अच्छे से अच्छा कोशिश की जाए ताकि जलभराव की समस्या कम हो, ड्रेनेज सिस्टम जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पे बच्चे गिर के मर रहे हैं, जानवर गिर के मर रहे हैं, उसको बंद करवाया जाए, ठीक है, लोगों की मूलभूत समस्या को समझा जाए, कुछ जगह पे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल्स का होता है 25 से 30 मीटर में आपके इलेक्ट्रिक पोल्स होना चाहिए, कुछ एरिया में अभी भी ऐसा नहीं हो पाया है, गलती ऐसा नहीं है कि मेयर की गलती है, कई बार क्या होता है कि देखिए योजनाएं जो आती हैं आपकी, ठीक है, मान लीजिए योजना आई और योजना किसी और जगह यूज हो गए वो योजना की फंड, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि महापौर की गलती है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैनेजमेंट पिछले 5 साल नहीं हुआ। हमने देखा है अतिक्रमण की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण तो बिजली विभाग ने कर रखा है, आप देखेंगे कि सड़क के बीच में पोल लगे हुए हैं, सड़क यहाँ पर है और उसके 10 मीटर के बाद में पोल लगा हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा अतिक्रमण है, उसको तो जो नगर निगम है वो सुधार सकता है ना। हाँ, नगर निगम उसको सुधारने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे पोल लगनी चाहिए वहां पे लगेंगे, कुछ एरिया है जहाँ पे पोल ही नहीं लगे हैं, 1 किलोमीटर तक नहीं लगे हैं, वहां पे पोल्स सुनिश्चित कराया जाएगा कि वहां पे बिजली की जो भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या पूरी तरीके से दूर हो लोगों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड है, ये नगर निगम के एक ऐसे काम है जो पूर्णतया नगर निगम को करने ही करने हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई अलग से एक इच्छा हुई और मैंने एक अलग से इनोवेशन लाई, ये मेरा इनोवेशन नहीं है, ये नगर निगम के कार्य है जो मुझे करने ही करने हैं। लोगों ने अभी मौजूदा महापौर पे आरोप लगाए कि वो फोन नहीं उठाती है, आप बनने के बाद आप फोन नहीं उठाएंगी? देखिए, मैंने तो मेयर साहिबा को जो फोन किया है उन्होंने मेरा फोन उठाया है, ठीक है, मेरा फोन तो उठाया है, बाकी का अगर किसी का फोन नहीं उठाया, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं इसको ऑब्वियसली मैं मानूंगी कि ये गलत है, अगर ऐसा लोगों को लगता है तो, ठीक है, ऑब्वियसली देखिए आप फोन उठाना जब मेरा कार्य है लोगों के लिए काम करना 24 घंटा उनके लिए, मतलब 24 घंटा में अगर मैं अपने लिए एक व्यक्तिगत 7-8 घंटे का काम टाइम निकाल दूं, ठीक है, उसके बाद का जो मेरा टाइम है वो लोगों के लिए ही सेवा में है, अब ये तो एक छोटी सी बात है ना कि फोन ना उठा, नहीं ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात, मेरा मतलब है ये मेरे लिए छोटी बात हो गई कि मैंने फोन, मतलब फोन उठाना मेरे लिए छोटी सी बात है, फोन उठाना मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई कि अगर मैं लोगों का फोन नहीं उठा रही हूँ, लोगों को दिक्कत है और मैं फोन नहीं उठाऊं, मेरा नंबर मैं आपको बता दूं, आज भी मेरा नंबर मैं
कोई भी लाभान्वित पद में नहीं हूँ, लेकिन मेरा नंबर आज भी पब्लिक है, मेरी प्रोफाइल पे भी पब्लिकली लिखा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ऐसी दिक्कत अगर कोई है, अगर जहाँ पे मुझे लगता है कि विधि पूर्वक उसको दूर किया जा सकता है, तो मैं उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करूँ। और मेयर बनने के बाद अगर मैं फोन नहीं उठाऊँ तो ये इससे ज्यादा मैं बेवकूफी का काम नहीं समझती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता वो फोन उठाती नहीं उठाती, क्योंकि मेरे फोन उठाए गए। अगर आप महापौर बनती हैं तो लास्ट में एक बिंदुवार आप शॉर्ट में बताएंगे कि क्या क्या आप काम ऐसे हैं जो जनता के लिए करेंगे। हाँ, बिंदुवार जो है, मैंने जैसे कि बताया, रोड का, पानी का, एक शुद्ध पेयजल आना, ठीक है, शुद्ध जो अभी भी दो टाइम आता है, उसमें भी पूरी निरंतरता रहेगी कि हर वार्ड में आए, कुछ वार्ड भी, एक भी वार्ड ऐसा ना हो 70 वार्ड में जो छूट जाए पानी की समस्या से। रोड बनना सब जगह की, अगर रोड मान लीजिए किसी ने समस्या लगवाई है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उसका समस्या का निदान मतलब कोई भी सॉल्यूशन पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या उसने लगाई, एप्लीकेशन लगाई और उसका कुछ हो ही नहीं रहा। वन विंडो सिस्टम रहेगा नगर पालिका नगर निगम में, और जन सुनवाई होगी बाकायदा, और रोड की, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होने चाहिए बाकायदा हर 25-30 मीटर में, वो लगेंगे, हर वार्ड में लगेंगे। ये मूलभूत समस्याओं पर फोकस रहेगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण कम करने के लिए कोशिश की जाएगी, नगर निगम के थ्रू जितना कम हो सकता है वो इनोवेशन करके कम करने की कोशिश करें। जो एनवायरमेंटल जो ग्रीन कवर है, मान लीजिए इसको बढ़ाने का हमारी भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है, उसमें पौधों को संरक्षण रखने पे भी पूरा फोकस किया जाएगा कि एक नगर निगम की गाड़ी जब भी पौधारोपण करे तो उसके बाद वो पानी देने का, जब एक छोटे लेवल से जब तक पौधे को जरूरत है पानी की, वो रोज जाके पानी देकर आए। ठीक है, जो ड्राई वेस्ट है और वेट वेस्ट है उसको अलग अलग रखा जाएगा। वो एक कारण, एक तो ये है कि हाँ हमारा वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होगा ड्राई और वेट को अलग करने से। एक चीज़ ये भी है कि जो गाय भैंस हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता कई बार वो भूखी होती है, क्योंकि वो जहाँ बाहर से कोई दे देता है तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। ठीक है, जो सुअर हैं, कई कुछ एरियाज में सुअर भी भ्रमण करते हैं, उनको भी बेचारे भूखे होते हैं। हम अंत्योदया वाली भावना से प्रेरित हैं, हमें उनके लिए भी सोचना है। तो जो भी वेस्ट, जिस तरीके का मान लीजिए किसी के यहाँ से सब्जी के छिलके वगैरह जो भी आए, जिस तरीके के, एक गाड़ी इसके लिए सुनिश्चित करेगी कि वो हर व्यक्ति के डोर से सब्जी के छिलके हैं, जो इस तरीके की चीजें हैं, वो कलेक्ट करके जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए एक समुचित व्यवस्था की जाए। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की बात करी, बिल्कुल, तो लेकिन नगर निगम की जो गाड़ी जाती है, अक्सर हमने देखा है कि वो घर में भी अलग अलग नहीं रखा जाता है कूड़ा, घर में भी कचरा सेम ही होता है, सेम डस्टबिन में रहता है, और जो नगर निगम की गाड़ी जाती है वो भी सेम डस्टबिन में ही उस कचरे को कलेक्ट करके लाती है। तो फिर आप ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात ये कर रही हूँ कि जब हम अगर उस पद नहीं, मेरा आशय सिर्फ आपसे नहीं है, मेरा आशय पूरे भाजपा से। देखिए, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का जो कार्य होता है, सबसे पहले जनता से स्टार्ट होता है, जनता को, लेकिन वो जनता से स्टार्ट ही नहीं है ना अभी। जनता से स्टार्ट होता है, मतलब होता है कि उनको अवेयर अच्छे से किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ऑलमोस्ट आप एकदम से जनता को कहेंगे नहीं, आप एकदम से करेंगे तो एकदम से हो जाएगा। एकदम से फाइन लगाने से भी नहीं होगा, क्योंकि वही जनता है आपको इलेक्ट करती है, तो फायदे के लिए ही करती है। आप उस पर फाइन लगा के उस पर एकदम से परेशान नहीं करेंगे। ये चीजें होती है, आप अवेयरनेस डालते हो, आप जब खुद जनता के घर घर जा जाके एक दो दिन कम से कम अवेयर करो। अभी नहीं हो रहा है, तो इसको क्या आप अवेयरनेस की कमी मानती हैं या नगर निगम की कमी मानती हैं? देखिए, मैंने आपसे यही बात कही कि व्यक्तिगत रूप से कई कार्य किए जाते हैं, और कुछ कार्य में अगर मान लीजिए अगर अधूरापन सा भी आ जाता है, ठीक है, वो अगले कार्यकाल में दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का है, वो भी कुछ टाइम ही हुआ है उसको लागू हुए, है ना, जब वो कुछ टाइम हुआ है तो कुछ टाइम दिया जाता है, धीरे धीरे चीज़ों हो जाती है। ये मेरी जो प्राथमिकता है अगले 5 साल में कि हाँ इस 5 साल में ये पूरा तरीके से होगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। बाकी का अगर मान लीजिए किसी से कोई चीज़ अगर थोड़े टाइम में, आप खुद देखिए ना कि किसी भी जगह पे हम बैठते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम 100% उस समय एकदम से आया काम और हमने एकदम से 100% पूरा कर लिया। हर जगह पे हर व्यक्ति के लिए वही चीज़ लागू होती है। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि अगर हम इस पद पे आते हैं तो वो समुचित रूप से उसको, दोनों वेस्ट को अलग किया जाए और उसी तरीके से वेस्ट मैनेज किया जाए, और जो ग्रीन कचरा होता है, जो मतलब जो सब्जी के छिलके हैं या इस तरीके के खाद्य चीज़ें हैं, उनको एक अलग तरीके से कलेक्ट करके स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक व्यवस्था कराई जाए। बाकी का टाइम लगता है हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य के हिसाब से। किसी को जो काम, कोई कुछ लोग होते हैं 1 साल में पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग 2 साल में कर लेते हैं, कुछ लोग 10 साल लगते हैं। हर व्यक्ति को अपनी अपनी नियत के हिसाब से और अपने अपने आदत के हिसाब से भी कार्य को करने में टाइम लगता है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था
कुछ लोग हैं जीवन काल निकल गया, यानी कि आपका मतलब है जो लोग 60s और 70s में हैं, ठीक है, मैं हूँ 30s में, ठीक है। अब दोनों में आप कहेंगे कि अंतर क्या है, मैंने आपसे कहा कि एज से अंतर नहीं होता है, ये आपके कार्य करने की क्षमता से अंतर होता है। अगर आप में कार्य करने का जोश है, आपके अंदर आपको लगता है कि आप उस तरीके से कर सकते हो, संगठन आपको उपयुक्त समझता है, क्योंकि संगठन में भी जो लोग बैठे हैं वो भी एक क्षमता वाले लोग बैठे हैं जिन्हें अनुभव है काफी, जिन्हें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है और ये व्यक्ति कर सकता है, तो ये संगठन डिसाइड करता है। मैं उसी बात पे करता हूँ कि आप जो वर्तमान महापौर हैं, लोगों ने कहा कि उन्हें समझने में ही 2-3 साल लग गए, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया क्योंकि वो फ्रेशर थी। आप भी फ्रेशर हैं। देखिए मैंने आपसे, देखिए ये चीजें आप अगर लागू करेंगे हर व्यक्ति पे कि उन्हें समझने में टाइम लग गया, ठीक है, जनता से पहली बात आप कितने लोगों से मिले अभी, ठीक है, अब आप मान लीजिए जो जनता, आपने खुद पूछा कि कितनी जनता, आपने तो 7 लाख बोली, अब आप खुद बताइए कि 7 लाख लोगों में से आपने कितने लोगों से पूछा है और कितने लोगों ने ये जवाब दिया कि उन्हें समझने में 2-3 साल का टाइम लगा। आप खुद जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे चाहूंगी, मात्र आप कह रहे होंगे तो 5-10 लोगों का नाम ले रहे होंगे, ठीक है, अगर आप मात्र 5-10 लोगों के जवाब से अगर आप ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति, नए व्यक्ति को मेयर बनने में अगर समझने में 2-3 साल का टाइम लगता है, तो आपके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो हर व्यक्ति जो पहले मेयर है मौजूदा उसी को टिकट मिलनी चाहिए, ताकि वो अनुभव हो गया ना उसको। मेयर तो अगर मान लीजिए आधे से ज्यादा आवेदक है वो कोई भी मेयर नहीं रहे हैं, सब एक नए लोग ही हैं, एक्चुअली मेयर पदवी के लिए सब लोग नए हैं, उनमें से ना तो कोई एमएलए है, ना एमपी है, ना मेयर है। फिर अनुभव आप किस चीज का कह रहे हैं उनको, किस चीज का अनुभव है, किसी चीज का अनुभव नहीं है, ठीक है। तो जब सारे के सारे फ्रेशर हैं, तो अगर मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो आपके हिसाब से तो मेयर की जो सीट है वो मैडम को ही मिलनी चाहिए। अगर काम अच्छा करते हैं तो जनता दोबारा भी चुनती है। आगरा में नवीन जैन कितने सालों से बराबर मेयर है, उनको हर बार जनता चुन रही है। यही तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना, कि आप कभी ये नहीं बोल सकते या आप कभी ये नहीं सोच सकते कि व्यक्ति को, हर नए व्यक्ति को कार्य करने के लिए 2-3 साल का समय लगता है। अगर ऐसा होता तो एक रूल आ जाता कि नहीं, जो मेयर पहले से है वही मेयर बनेगा, ऐसा कहीं पे भी लिखित में नहीं है। एकमात्र एलिजिबिलिटी है 30 साल से व्यक्ति ऊपर होना चाहिए, कुछ जगह पे और कुछ स्टेट्स में 21 साल की उम्र है, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी जहां पर है उसके बाद व्यक्ति कितना समझता है कितना नहीं समझता है ये संगठन तय करता है, ये व्यक्ति का खुद का जो जनता ने देखा है कि उसका कार्य किस तरीके का है वो तय करता है। 50 साल की एज होने से, 60 साल की एज होने से और 30 साल की एज होने से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं इस जगह के लिए ज्यादा उपयुक्त हूं। अगर ऐसा होता तो वो विधि पूर्वक उसकी एज वहां से वहां हटा दी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत और धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर इस एपिसोड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक वो जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और आवेदक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।